अन्वेषकों से संबंधित एक बड़ी और सकारात्मक खबर आ रही है। आज की ये उपलब्धि कह सकते हैं विक्रम सिंह के लिए लगी है। अन्वेषकों के संबंध में आज मुलाकात हुई है महानिदेशक महोदया से और उन्होंने जो भी बताया है विस्तारपूर्वक बात करेंगे इस खास वीडियो में। विक्रम सिंह कार्यवृत्तियों को लेकर कल से लगातार लखनऊ में डेरा जमाए थे अपनी पूरी टीम के साथ और जो S4 के अभिभावक गण हैं उनके साथ। लिहाजा कल किसी कारणवश माननीय महोदया से मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन आज मैडम से मुलाकात हुई और पूरी विस्तारपूर्वक बात भी हुई है, सकारात्मक बात हुई है और बड़ी खुशखबरी मिल सकती है 10 से 15 दिन के अंदर। विक्रम सिंह ने अपनी पोस्ट के द्वारा हम सभी अन्वेषक साथियों को अपने 27,555 अन्वेषकों के लिए अवगत कराया है। आप सभी देखें उनकी पोस्ट और जानें। माननीय अन्वेषक प्रदेश अध्यक्ष अपने चिरपरिचित अंदाज में लिखते हुए लिखते हैं, क्रांतिकारी तबीयत के नौजवान साथियों, आज दिनांक 11/9/2024 को संगठन प्रतिनिधिमंडल की वार्ता महानिदेशक शिक्षा महोदया के साथ संपन्न हुई है। प्रतिनिधिमंडल की वार्ता में निम्न तत्वों के एवं जानकारियों को बताया जा रहा है। पहला पॉइंट है, वार्ता प्रमुख रूप से हम अन्वेषकों को समस्याओं के निराकरण के संबंध में प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 7/8/2024 को संपन्न बैठक में जारी कार्यवृत्त में हुई प्रगति के संबंध में थी। नंबर 2 पॉइंट में लिखते हैं, विक्रम सिंह महानिदेशक महोदय द्वारा अवगत कराया गया है कि शासन की मंशा के अनुसार अन्वेषकों का प्रस्ताव बनाकर भेजा जा चुका है। 3rd नंबर पर स्थानांतरण के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई है कि अध्यापकों के स्थानांतरण के पब्लिक समायोजन के बाद ही हम अन्वेषकों का स्थानांतरण लिस्ट जारी होनी है, अंतरजनपदीय स्थानांतरण छुट्टियों में ही होंगे। 14th पॉइंट में विक्रम सिंह ने लिखा है, महोदया से प्राप्त जानकारी के अनुसार हम अन्वेषकों के संबंध में भेजे गए 4 से 5 विंदुवार प्रस्तावों पर आदेश 10 से 15 दिनों के भीतर जारी कर दिया जाएगा। 4 से 5 बिंदुओं पर प्रस्ताव बन चुका है, पारित हो सकता है, आदेश 10 से 15 दिन के अंदर अन्वेषकों के हाथ में होगा। 5वां है, नियुक्तिकरण व मानदेय बढ़ोतरी जैसे आदेश शासन में शीर्ष नेतृत्व द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार ही जारी हो गए। इनके नियुक्तिकरण होगा या मानदेय बढ़ोतरी होगी, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा होगा। प्रिय संभ्रांत साथियों, माननीय महोदया ने आश्वस्त किया है कि आप सभी की कुछ अत्यंत मौलिक समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है। प्रतिनिधि मंडल में शामिल संयुक्त संघर्ष संचालन समिति के अभिभावकगण श्रीमान आर के निगम जी, श्री विनय सिंह जी, श्रीमान तारकेश्वर शाही जी, श्री मनोज राय जी, श्रीमान राजेश पांडे जी सहित समस्त S4 की टीम को अन्वेषक संघ उत्तर प्रदेश के समस्त अन्वेषक कृतज्ञता एवं आभार प्रकट करते हैं। आगे लिखा है, हमारे साथ अन्वेषक साथी राम सिंह जी, प्राची जी, वन्ना जी और स्मृति जी रहे। फिर पुनः जो कि मुझे बहुत बेहद पसंद है, विक्रम सिंह जी का ये अंदाज, अपने अंदाज में बात को ख़त्म करते हुए शेर के माध्यम से, जो हमसे पूछते रहे मंजिल का रास्ता, हमको ही आज राहें बताने लगे लोग, हमने जो खुद को खपा दिया क्या बुरा किया। जो आसमान सर पे उठाने लगे लोग, जो आसमान सर पे उठाने लगे लोग। विक्रम सिंह प्रदेश अध्यक्ष, आप देख रहे थे अन्वेषक न्यूज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक शेयर और कमेंट करते हुए बताएं कि हमारे इस मुहिम में आप किस कदर किस हद तक हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।